गुजारिश है मैं तबाह सुबह हम लोग तीन तबाह सुबह खिलास के तैयार होना मरहूम फिरतुलान मुमताज हुसैन अली अब्दुल लतीफ हुसैन अपने इनके कल को हुसैन अली मजहर इनके अनुवार के रूप में शामिल محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين امام القبلتين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صلوات پڑھنے پر محمد اللهم صل على محمد لائک سب احترام قدردان سید الشہداء اور قدردان مظلوم کربلا مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا عنوان سال ثواب منعقد کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو بخوبی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری اور آپ کی زندگی جس نقطے جس محور اور جس مرکز کے ارد گرد طواف کرتی ہے اس محور اس مرکز اور اس نقطے کا نام مجلس امام حسین ہے. ہماری زندگی میں جتنی بھی رونقیں ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے. ہمارے اندر جتنا بھی دینداری کا جذبہ پایا جاتا ہے اس جذبے کے پیچھے اگر کوئی چیز کار فرما ہے تو اس طاقت کا نام مجلس امام حسین ہے. ہمارے اندر جتنا بھی قرآن سے محبت اور لگاؤ اور انس پایا جاتا ہے اس کا سبب بھی مجلس امام حسین ہے. ہم جب حقوق الناس اور حقوق العباد پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اگر کوئی ہمیں مقام نظر آتا ہے تو وہ مقام مجلس امام حسین ہے. اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جن گھرانوں میں جن خانوادوں میں اور جن آغوشوں میں ہم نے اور آپ نے تربیت پائی ہے اس میں والدین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ گھر میں خوشی ہو تو مجلس ہونا ہے, گھر میں غم ہو جائے تو مجلس ہونا ہے, تم خوشحال ہو تو مجلس ہونا ہے, تم پریشان ہو تو مجلس ہونا ہے, تم بیمار ہو تو بھی مجلس ہونا ہے, تم صحت پا جاؤ تب بھی مجلس ہونا ہے, تم امیر ہو تو بھی مجلس کرنا ہے, تم غریب ہو جاؤ تو بھی مجلس کرنا ہے. اور یہی نہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو اور اگر حسین گھر دے دے تو شکرانے کے طور پر مجلس کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اللہ پوری زندگی
का इन्हिसार मजलिस सैयद शोहदा पर है। यही वो मरकज है कि जहाँ से हम दुनिया को बताते हैं कि हमारा अकीदा क्या है, हमारा नजरिया क्या है। याद रखिएगा, दुनिया में और तुम में फर्क यह है कि दुनिया दरवाजे दरवाजे जाकर कुंडी खटखटा के अपना अकीदा पहुंचाती है, और आप हुसैन के घर में भी जाकर अपना अकीदा अगर यहाँ से अकीदे की तरवीज ना हुई, अगर यहाँ से अकीदा ना पढ़ा गया, अगर अकीदे की बात यहाँ से ना हुई, तो फिर कहाँ से होगी। इसलिए कि ये दानिशगाह मेरी और आपकी बनाई हुई नहीं है, ये दानिशगाह ज़ैनब की बनाई हुई है। लिहाजा यहाँ से अकीदा भी वही दिया जाएगा जो कि करबला का होगा या जो ज़ैनब का होगा। लिहाजा मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ इस मजलिस के हवाले से कि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये मजलिसें इसलिए कायम की गई हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि अली अलीयुन वलीयुल्लाह है, अली अल्लाह नहीं है। तो मुझे एहसास दिलाइएगा कि मैं शीशे के सामने नहीं, शियों के सामने पढ़ूंगा। इसलिए शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। सलावत पढ़ा करो मोहम्मद वाले, मोहम्मद वाले, मोहम्मद। अकीदा बयान करने की जगह है, यहाँ से हमें बताना है कि हमारा अकीदा क्या है। यहाँ से हमें बताना है कि हमारे बाप का अकीदा क्या है, हमारे दादा का अकीदा क्या है, हमारे परदादा का अकीदा क्या है। अगर यहाँ से अकीदे की तरवीज ना हुई, और मैं एक जुमला और कहना चाहता हूँ कि मजलिस हो, अशआर हो, या कोई भी जगह हो, वो अकीदा सुनाने की जगह है, अकीदा बनाने की जगह नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना चाहता हूँ, अकीदा सुनाने की जगह है ये मिंबर, अकीदा सुनाने की जगह है, अकीदा बनाने की जगह नहीं। आप अशआर कह रहे हैं, आप अकीदा सुनाइए, अकीदा बनाइए नहीं। प्रॉब्लम जब होती है जब अकीदा सुनाने वाला अकीदा बनाने लगे। मुश्किल क्या होती है, जब अकीदा सुनाने वाला जिसका काम यह है कि आप अकीदा पहुंचाएं, वो अकीदा बनाने लगे, तब इख्तलाफात पैदा होते हैं। मुश्किल क्या होती है कि एक आदमी का काम है कि आप पहुंचाते नहीं, पहुंचाए नहीं, बनाए, पहुंचाने वाले और हैं, बनाने वाला आप नहीं पहुंचा। ये पहुंचाने वाले की ड्यूटी बड़ी सख्त है, साहिबान नजर लोग बैठे, एक लफ्ज कहना चाहता हूँ, पहुंचाने वालों की ड्यूटी बड़ी सख्त है। अगर पहुंचाने वाला लायक एतमाद ना हो तो जाए हुए को भी वापस बुला लिया जाता है। इसके बहुत सर्दी थी, कि आप पहुंचा किसके जरिए रहे, आप किसके जरिए। अगर वो इंसान लायक एतमाद नहीं है तो चाहे रसूलुल्लाह ने भेजा हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाहे मुरसल आजम ने भेजा हो, हुक्म कुदरत होता है, वापस बुलाओ। इसलिए कि ये इस लायक नहीं है, उसे भेजो जो तुझ जैसा है। बुलाया वापस, बुलाया गई, तारीख में है कि नहीं भाई, तारीख में है। अगला महीना जो है उसकी जो चार तारीख है उसमें जो उर्दू तारीख है वो वही है। जब उस मुबल्लिग को वापस बुलाया गया, कहा जाओ, क्या वो आपने तो मुझे कह दिया था, मैंने ही तो कहा था, अल्लाह ने हुक्म दिया है मोहम्मद, या तू जा, जब वो जाएगा जो खुद जैसा होगा। उसी पे बात होना है जो जैसा है, तभी से क्या कर, या आप जाइए या उसे भेजिए जो आप जैसा है। तो जैसा मुहिम है, जैसा क्या, जैसा मुहिम है, उस जैसे ही तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मैंने आयत पढ़ी है, बहुत मशहूर आयत है, और आयत का वजन जो है आयत के एतबार से ना लीजिएगा, आयत से पहले के एतबार से लीजिएगा। इस आयत से पहले चार कसमें खाई गई हैं, तीन की कसम, जैतून की कसम, बलद अमीन शहर मक्का की कसम, क्या कि हमने इंसान को खिलकत के बेहतरीन मयार पर पैदा किया, यानी इससे बेहतरीन मयार कोई हो नहीं सकता। अल्लाह ने अपना जितना भी कायनात को खल किया है, उस कायनात में सबसे ऊंचा अगर किसी को बनाया है वो इंसान है। सबसे ऊंचा कौन है, इंसान। सबसे बड़ा कौन है, इंसान। जोर से बोलिए, मेरी आवाज आप तक नहीं जा रही भाई, मेरी आवाज आप तक जा रही है तो फिर बताइए ना मुझे भाई, सबसे ऊंचा कौन है, इंसान। सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह चाहता है कि इंसान बड़ा रहे, जो तारुफा से किया, और खाली उसे बनाया नहीं है, उसे सजाया नहीं है, बल्कि जब उसे सहने कायनात में खड़ा किया तो सबसे पहले उसके सर पे लटक कर अपना बनी आदमा का ताज रखा,
उसकी कमर में आसन तकवीम का पटका बांधा, उसके कदमों में अशरफ المخلوقات की नालें पहनाई, ताकि जब वो कायनात के दरमियान में खड़ा हो तो कायनात का कद पस्त नजर आए, इंसान का कद बुलंद नजर आए। अल्लाह आपको सबसे ऊंचा देखना चाहता है। सबसे ऊंचा किसे देखना चाहता है? आपको। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सबसे ऊंचे आप हैं? बोलिए, अगर ऊंचे हैं तो बोलिए। क्या सबसे ऊंचा आप हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी, मैं खानदान में ऊंचा हूँ, मैं महल्ले में ऊंचा हूँ, मैं शिकारपुर में ऊंचा हूँ, मैं बुलंदशहर में ऊंचा। नहीं भाई, कायनात में ऊंचा, कायनात में ऊंचा। कायनात में सब चीजें हैं, सूरज भी कायनात में है, चांद भी कायनात में, सितारा भी कायनात में। तो आप बताइए, आप सूरज से बड़े हैं? बोलिए, अगर है तो फिर बोलिए। अच्छा, जो नहीं बोल रहे वो हैं, क्या समझूं मैं? तो बताइए भाई, अगर आप हैं तो कहिए हैं, और नहीं है तो कहिए नहीं। क्या आप सूरज से बड़े हैं? चांद से बड़े हैं? सितारों से बड़े हैं? पहाड़ों से बड़े हैं? अल्लाह तो कह रहा है तुम सबसे बड़े हो, इन सबसे बड़े हो, पूरी कायनात से बड़े हो तुम। मगर हम देख रहे हैं कि नहीं, सूरज हमसे बड़ा, हम छोटे, चांद हमसे बड़ा, हम छोटे, सितारे हमसे बड़े। इसका मतलब यह कि जिन्हें अल्लाह बड़ा कह रहा है ना, वो हम नहीं है। घर में भी आप बड़े लोगों की बात नहीं समझ पाए, इसका मतलब यह कि वो और बड़े हैं, वो इतने बड़े हैं कि जो इन सबसे बड़े हैं। अब ये अल्लाह नहीं बताएगा कि वो कितने बड़े हैं, वो अपने अमल से बताएंगे कि हम कितने बड़े हैं। और उन्होंने बताया, याद रखना, मोहम्मद को सूरज पलटवाने की जरूरत नहीं थी, पलटवा के बताया ये छोटा है, हम बड़े हैं। करके बताया ये छोटा है, हम बड़े हैं। दरवाजे में बुला के बताया ये छोटा है। दुनिया में और तुम में फर्क ये है कि दुनिया सितारों में तकदीर तलाश करती है, सितारे ने अली का दरवाजा तलाश किया। चार लोग हैं जिन्हें नबी ने सामने बिठा के कहा ये मुझ जैसे हैं। पूरी 63 साल हयात तैयबा में नबी ने चार अफराद ऐसे जिन्हें सामने बिठा के कहा ये मुझ जैसे हैं। पांचवा नहीं है, सिर्फ चार है। पहली जात वाला कायनात की जात, जिनके लिए फरमाया अना व अलीयुम मिन नूरिल वाहिद, सुभान अल्लाह, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। भाई ये नूर मूर बीच से हटाइए ना, सीधा तर्जुमा कीजिए, जैसा मैं वैसे अली और जैसे अली वैसे मोहम्मद, सारा झगड़ा जैसे ही का तो है। भाई सारा झगड़ा जैसे ही का तो है, नबी को अल्लाह ने हम जैसा बनाया, जाहिर आंखें हमारी तरह, कान हमारी तरह, मगर आप ये नहीं कह सकते कि हम जैसे ही। क्यों क्यों नहीं? इसलिए कि उसने सब कुछ तो आप जैसा बनाया, मगर आपके जैसा साया नहीं बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बनाया दो मिसरे पढ़ो तुम, बड़ा खूबसूरत है, शायद उन्होंने सुना है, सुन लीजिए। दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बहुत दूर है, साया ना मिला। सानी तो बहुत दूर है, दुनिया में जितने लोग हैं सबका साया है। आलिम, काबिल, फाजिल, मौला, मौलवी, अदीब, खतीब, शायर, मुफक्किर, मुदब्बिर, सबका साया है, नबी का साया नहीं है। सबका नबी का साया नहीं तो होना चाहिए। तो भाई पहले आप साये की तारीफ समझिए, साया की तारीफ, साये की तारीफ ये तो साथ साथ हो वो साया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो जो भी साथ होगा वो साया है। तो साया मिले रसूल का दुनिया को किस तरह, वो तो सिमट के हैदर करार बनाया। नारे हैदरी,
सजाया, सवारा, साया नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया साया? इसका जवाब मैं दूंगा, आप देंगे नहीं। इसके दो जवाब है, एक वो जवाब है जो उलमा इरफान ने दिया है, एक वो जवाब है जो उलमा अहले सुन्नत ने दिया है। दोनों जवाब आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इसलिए कि अगर उलमा इरफान का कह दिया तो सब ये कहेंगे अपनी अपनी सुना दी, अगर उनकी ना सुनाई, उनका भी सुनाना जरूरी है। इसलिए कि हम उसके दरवाजे पे बैठे हैं जिसने ये कहा है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि अगर हम इस बात को न मानते तो कभी मिंबरों से न कहते कि हजरत उमर ने 72 मरतबा कहा अगर अली ना होते तो मैं अल्लाह को मगर नबी ने हमारी तरह नबी का साया नहीं बनाया होगा। क्यों नहीं बनाया? अब जो मैं कहूंगा वही समझिएगा, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वो मत समझिएगा जो आपके दिमाग में आएगा, और हो सकता है कि जो आपके दिमाग में आए वही हो। कहते नबी का अल्लाह ने साया इसलिए नहीं बनाया क्योंकि साये में तीन ऐब है, तीन प्रॉब्लम है, तीन मुश्किल। वो कहते हैं क्या? कहते साये में सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मुश्किल है, और सबसे बड़ा ऐब ये कि साया बगैर बताए पीछे आता है। बगैर बताए पीछे आता है। आप चलेंगे, आज तक आपके साये ने आपसे इजाजत नहीं होगी, भाई साहब मैं चलूं? क्या बात है। और इतना जीतती है कि अगर आप गाड़ी में बैठेंगे तो वो भी बैठेगा, आप सवारी में बैठेंगे तो वो भी बैठेगा, आप ऊंटनी में बैठ गए तो वो भी बैठ गया, आप घोड़े पे बैठे तो वो भी बैठा, आप पैदल चले। और उसकी आदत इतनी बुरी है कि अगर मैंने अम्मामा लगाया तो साया भी लगाएगा, मैंने उतार दिया अब समझते रहिएगा। तो कहना चाहता हूँ उतार दिया, मैंने कपड़ा पहनी है तो साया नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कोट पैंट पहने हो और साया सलवार कमीज पहने, वाह वाह वाह, नहीं समझी? अगर समझ जाते तो बात बहुत दूर तक चल जाती। तो साये में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि साया बगैर बताए। कहते अल्लाह को बस यही पसंद नहीं था कि कोई मोहम्मद का बगैर बताए पीछा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा ऐप यह है कि इसे जरा सा मौका मिल जाए फौरन आगे आ जाता आगे आता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ तजर्बे से पढ़ रहा हूँ। आप सबके साथ ये हुआ है और वहाँ वो बोलते रहिए। इसलिए कि जिसकी हिमायत में हम बोल रहे हैं ना, यकीन जानिए आज यहाँ आप उनकी हिमायत में बोलेंगे, महशर में अहले बैत आपकी हिमायत में। कोई चक्कर में ना रहे कि मैं यहाँ नहीं बोलूंगा तो वो वहाँ बोलेंगे, अगर यहाँ उनकी हिमायत में बोलोगे तो अहले बैत वहाँ आपकी हिमायत में। यहाँ चुप रह गए फिर वहाँ भी खुद ही जिम्मेदार हो, ठीक है। तो पहला ऐप ये कि बगैर बताए पीछे आता है। दूसरा ऐप क्या? मौका मिलते ही सरल सा चांस मिले फौरन आगे। अब ये हालात होते हैं कि आप उसे देखते हैं कि मेरा साया है, आप चाह के भी उसे पीछे नहीं कर सकते, वो आगे आगे चलेगा, गली में आगे, मुसल्ले में आगे, मस्जिद में आगे, मैदान में आगे, सराफ में आगे, मैदान होता नहीं, आगे 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 आगे। दूसरा ये कहते, तीसरा ऐप ये कि जब दिन चढ़ता है और इसे मौका मिलता है फौरन बराबर आ जाता है। क्या कहना, फौरन बराबर आ जाता है। तो साये में तीन ऐप, बगैर बताए पीछे आना, मौका मिलते ही आगे आ जाना,
दिन चलते ही बराबर आ जाए। कहते अल्लाह को यह पसंद नहीं था कि मोहम्मद का साया बगैर बताए पीछे आए, मोहम्मद का साया बगैर बताए आगे जाए, या मोहम्मद का साया मोहम्मद के बराबर आए। तो कम से कम अकल के दो दिमागी से काम ले लो। जब अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं था कि साया ये हरकत करे, ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि हम साया ये हरकत करें। अब ये तो हो गई उलमा इरफान की बात, अब उलमा अहले सुन्नत की बात। उन्होंने बड़ा खूबसूरत नजर दिया था, उन्होंने कहा देखिए बात यह है कि अल्लाह नबी का साया बना देता, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि इंसान नबी का तो एहतराम कर सकता था, साय का नहीं होता। आप मौलाना का एहतराम कर सकते हैं, साय का नहीं कर सकते। आप अपने वालिद का एहतराम कर सकते हैं, साय का नहीं कर सकते। आप अपने उस्ताद का एहतराम कर सकते हैं, साय का नहीं कर सकते। मसलन अक्सर होता होगा कि आप जा रहे हैं, उस्ताद साथ है, उस्ताद के साय पे आपका पाँव है, होता है कि आपके वालिद साथ जा रहे हैं, आप पीछे चल रहे हैं, मगर हो गया अगर अचानक आएगा उस्ताद के बाप के साय पे। तो कहते हैं कि अल्लाह को ये पसंद नहीं था कि कोई मोहम्मद के साय की तौहीन करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि आप और बेदार हो जाए। वो कहते हैं अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं था कि किसी सहाबी के कदम नबी के साय पर आ जाए। क्या कहना, तो एक तरफ तो तुम यकीदा पेश कर रहे हो, दूसरी तरफ तकरीरों में चिल्ला के कह रहे हो सब बराबर, सब बराबर है भैया, सब कैसे बराबर है? वो और है जिनका कदम साए पर बर्दाश्त नहीं, और वो और है जो दो सौ के साल पूरी कायनात में एक ही शख्स है जिसे सामने बिठा के कहा। पहली जात कौन सी जात है? जनाब अमीर की जात है। अदा वाली क्यों मिन नूर अल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े। सुभान अल्लाह, सुभान मतलब क्या, जैसा मैं वैसे अली, जैसे अली वैसा मैं। दूसरी जात जनाब सैयदा की जात है। फातिमा तो बस आतो मिन्नी, फातिमा मेरा मजा है, मेरा जुज है, मेरा टुकड़ा है, मेरा हिस्सा है। ये सारे तर्जुमे आपने सुने, टुकड़ा हिस्सा जुज, ठीक है ना, मगर टुकड़ा और है, बजा और है, टुकड़ा और है, हिस्सा है और है, बजा और है। बजा का तर्जुमा हिस्सा नहीं हो सकता, जुज नहीं हो सकता, बजा और है। वो एक लफ्ज है, वो एक कैफियत है। जब कोई आदमी अरबी का तर्जुमा उर्दू में करता है तो वो आखिर में जरूर लिख देता है कि भाई मैंने कोशिश की है कि बात पहुंच जाए। मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि ऐनन हूबहू मैंने वही पहुंचा दी जो वो कहना चाहता था। क्यों? क्योंकि अरबी की कैफियत है, उसकी गहराई है, उसकी गिरफ्त है, उसकी ग्रामर है। जरा सा जेर पेश में मामला इधर का उधर हो जाता है। तो ये जो तर्जुमा आप कर रहे हैं कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, मेरा जुज है, मेरा हिस्सा है, ये नहीं है। फातिमा बजा तो रसाला है, बजे रसाला। बजा का क्या मतलब है? बजा जुज को कहते नहीं, जुज और है, बजा और है, हिस्सा और है, बजा और है, टुकड़ा और है, बजा और है। आप कहेंगे कि बजा में और टुकड़े और हिस्से में क्या फर्क है? वो सुनिए, ये अंगूठा मेरा हिस्सा है, जुज है, बजा नहीं है। ये हाथ मेरा जुज है, टुकड़ा है, हिस्सा है, बजा नहीं है। ये यहां से अगर शाना मेरा जुदा कर दिया जाए तो टुकड़ा कहलाएगा, हिस्सा कहलाएगा, जुज कहलाएगा, बजा नहीं कहलाएगा। ये टांग मेरे जिस्म का हिस्सा है, जुज है, टुकड़ा है, बजा मुझे दरमियान से काट दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा कहलाएंगे, जुज कहलाएंगे, मगर बजा नहीं कहलाएंगे। फिर भाई बजा क्या कहलाएगा? मैं भी बजा ये किया के आ जाए कि यहां से ना काटा जाए, यहां से काटा जाए। कैसे क्या होगा? कहेंगे जो ये वाला हिस्सा होगा, इधर वाला, ये कहलाएगा बजा। जो कहती बजा के लिए शर्त है कि बजा उस हिस्से को कहा जाएगा जो तादाद में, क्वांटिटी में आधे से ज्यादा हो, आधे से ज्यादा हो, चाहे वो जरा ही हो, यानी जरा ही कुछ कह रही, मगर आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो। अब मैं अपने जवानों तक थोड़ा इसकी वजाहत कर लूं। मसलन बजा में और हिस्से में फर्क यह है कि 25% हो हिस्सा कहलाएगा, 10% हो हिस्सा कहलाएगा, ठीक है ना, 50% हो वो भी हिस्सा कहलाएगा,
मगर अगर 50 है तो हिस्सा कहलाएगा, बजा नहीं कहलाएगा। मगर जैसे ही वो 51 हुआ, 52 हुआ, 53 हुआ, 55 हुआ, क्या हो गया? वो बजा हो गया, नहीं और कहीं बार, यानी कम से कम 75% हुआ, ये 75 मैं कह रहा हूँ, वो कहलाएगा क्या? बजा। अब आप समझ गए? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि नबी ने नहीं फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फातिमा मेरा बजा से उड़ा, यानी मेरा 75 है मेरी रिसालत का, सुभान अल्लाह, मेरी नबूवत का, मेरी विलायत का, मेरी कयादत का, मेरी शुजात का, मेरी सखावत का। अब नहीं पहुंचे, अब भी फिर सुन लीजिए, यानी जो 75 होगा वो बजा कहलाएगा। अब इस 75 का अगर मजा लेना है तो वो यहाँ बड़े घर में बैठ के नहीं आएगा मजे, आप चलिए बाहर और परचून की दुकान पे जाइए जहाँ तराजू रखा हो, उससे वो तराजू लीजिए और फिर इस हदीस का मजा लीजिए। एक तरफ रखिए 25 और एक तरफ रखिए 75, जब आप रखेंगे तो तराजू क्या मंजर दिखाएगा? बोलिए बोलिए भाई, क्या होगा? अरे भाई बोलिए, क्या होगा? जैसे ही 75 रखा जाएगा तो 25 वाला ऊपर होना शुरू हो जाएगा। यही होता ना, आज तक लोग हमसे पूछते हैं जब फातिमा आती थी मोहम्मद उठ क्यों जाते थे? जैसे ही आपने दूसरे पलड़े में 25 रखा, फौरन कैफियत क्या होगी? 75 वाला बैठने लगेगा और 25 वाला उठने लगेगा। अब हैरत से ना देखिए, इसलिए कि फातिमा 14 में वो वाहिद जात है कि अगर इसे मकाने रिसालत से देखोगे तो फातिमा तो उम्मे बिहा नजर आएगी, मकाने इमामत से देखोगे तो उम्मुल आइमा नजर आएगी। आज शव्वाल करीब है, आज शव्वाल आलम इस्लाम के लिए वो शोक की तारीख है कि जिसे मुसलमानों को ऐसे मनाना चाहिए कि मस्जिदों में बैठे और चीख मार मार कर रोएं। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह की बेटी का रोजा मुनादी हुआ नहीं, जिस कब्रिस्तान में वो कब्रें मौजूद है वहां फकत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र नहीं है, फकत इमामों की कब्रें नहीं है, वहां असहाब रसूल की भी कब्रें, अज़वाज रसूल की भी कब्रें। तो कम से कम मैं तुम्हें फातिमा से कोई लेना देना नहीं, अज़वाज रसूल से तो लेना देना है, अज़वाज रसूल से तो लेना देना है। तो आओ कम से कम हर साल 8 शव्वाल को बैठा करो और मिलकर उन लोगों पर लानत किया करो जिन्होंने वो कब्रें गिराई है। मगर तुम नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? अब तो हमें बताने की जरूरत है ही नहीं, अब तो कल से सबको पता चल गया। वो क्या है? 56 बहनों का एक भाई, पता चल गया सबको। क्यों? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप मैं हम सब अपनी अकल पे जिंदा होते ना तो कभी का मामला खत्म हो गया होता। इसलिए कि जितनी ताकतें तुम्हारे खिलाफ हैं, इतनी अगर किसी और हुकूमत कौम के खिलाफ हो जाती तो वो कौम दूरबीनों से नजर ना आती। जुमले को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, खुदा की कसम मैं मिंबर से कह रहा हूँ, मौला हुसैन की कसम, जितनी ताकतें तुम्हारे खिलाफ हैं अगर इतनी किसी और कौम के खिलाफ हो जाती तो वो कौम आज दूरबीन से नजर। मगर ये इमाम हुसैन का मौजदा है कि जो शख्स लखनऊ में बैठ के कह रहा था ना कि ये कौम दूरबीन से नजर नहीं आती, आज वो खुद दूरबीन से नजर नहीं आ रहा है। आपका झंडा, आपके लोग, आपके उलमा नजर आ रहे हैं? क्यों?
इसलिए कि हमारा हाथ एक जिम्मेदार हाथ में हम उनमें से नहीं है कि जिनका इमाम था अब वो है जिनका इमाम है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ बेदार अगर आप है तो जुमला सुन लीजिए। जब पूरी दुनिया जब ये जंग का आगाज हुआ जब ये सारे मुसलमान झंडा लेके आ गए टिके कितने बताइए कितने टिके कहाँ चले गए कहाँ चले गए आपने फिर महसूस किया तुर्की भी आया था चला गया क्यों चला गया क्योंकि उसने जाके बताया कि अर्तुगरुल गाजी की टोपी पहन के जुमा पढ़ने जाना और है और मुख्तार के किरदार लेके मैदान में खड़ा होना। सुभान अल्लाह वाह 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 एक ही मुल्क है तो कल भी खड़ा था आज भी खड़ा है और सुनो तादाद में भी इनसे कम है पैसे में भी इनसे कम है और दुनिया की तमाम तर पाबंदियां लगी हुई है मगर दुश्मन की आंखों में आके डाले खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है? जब वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी से पूछा गया कि सब भाग गए आप क्यों नहीं भागे सब पीछे हट गए आप क्यों नहीं हटे सब मजलूमों को छोड़ के चले गए आप क्यों खड़े रहे तो उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि हम ताकतवर हैं हम पर असला है। उन्होंने एक जवाब दिया उन्होंने कहा हम इसलिए मैदान में टिके हुए क्योंकि हमारी जमीन में हमारे मुल्क में एक अली सोया हुआ है। हमारे मुल्क में एक अली ये नहीं कहा कि एक अली है ये कहा अली सोया हुआ है ताकि दुनिया को पता चल जाए जब सोए हुए अली की इतनी हिम्मत है के साथ खड़ो जनाजे उठाने के बाद झुकना नहीं है इसलिए खुद जो भी जनाजा उठाता है वो झुकता नहीं है। याद रखिएगा ये फलसफा है जब कोई इंसान जनाजा लेके चलता है झुकता है क्यों? इसलिए कि जिसके कांधों पे जनाजा होता है वो खड़ा रहता है। बस यही शियत की तारीख है। इन्होंने इतने जनाजे उठाए कि ये झुकने वाले नहीं है। सुभान अल्लाह दुनिया इनके सामने झुकेगी शिया कौम किसी के सामने नहीं झुकेगी। ये तो हमारा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आजादी से मेरी सो रही है मैं पढ़ रहा हूँ आप सुन रहे हैं लोग गली में सुन रहे हैं इधर खड़े उधर खड़े आप देखिए बगल वाले मुल्क में हालात देखिए। अभी मैं गया था दो ढाई महीने पहले अगर शहनशाह नकवी के अब्बा की मेरिज पढ़ लें वहाँ तो हालात पूछ रहे हैं दरवाजे पर चेकिंग अंदर चेकिंग जमीन पर बैठे एक आदमी उधर खड़ा एक आदमी उधर खड़ा ये क्या हालात है। मैंने कहा हमारे यहाँ का सर उनको वो आपका मुल्क है यहाँ के दूसरा हालात। मैंने कहा आखिर इतना क्यों? उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा मसला यह मामला कि यहाँ जिसे भी जन्नत चाहिए होती मजलिस में आकर फट जाता है यहाँ जिसे भी जन्नत चाहिए होती है मजलिस में आके फट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की कसम दो रकअत नमाज शुक्राना पढ़ा कीजिए कि आपका इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है हमें इफ्तिखार है कि हमारा इमाम मौजूद है हमारा इमाम जिंदा है और ये पूरी दुनिया उसी कायम की वजह से कायम है आने वाला है उसका हम इंतजार कर रहे हैं उसके ईसा इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया का रिसर्च कर रही है तो सिर्फ इस बात को कर रही है कि आखिर वो आने वाला कब आएगा। हालात पैदा हो रहे हैं वाकयात पैदा हो रहे हैं अलामतें पूरी हो रही हैं हम दिन ब दिन ज़हूर इमाम के करीब जा रहे हैं। ये जो हालात आप देख रहे हैं ऐसे नहीं है इसलिए कि आने से पहले ज़हूर से पहले एक ताकत पूरी दुनिया में सुपर बन पावर बन के उभरेगी। वाला पैदा हो रहे हैं लोग तवज्जो हो रहे हैं। कल क्या और जमाना था कि आप कमरे में खड़े होकर मातम कर लेते थे नहीं आज आप जब मैदान में निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे यही वो लोग हैं यही वो लोग हैं कि जिन्होंने मजलूमों की आवाज पे आवाज लबैक कहा यही वो अफराद है कि जो टिके हुए हैं मैदान में यही वो अफराद है जिन्होंने बताया है कि जालिम के सामने डटना है झुकना नहीं है। हम जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मानने वाले क्यों? इसलिए कि जनाबे फातिमा ज़हरा वो खास शख्सियत है जिन्हें मुरसल आज़म ने फरमाया फातिमा तो उम्मे अबिया अपने बाप की माँ है। और सुनिए आलम उलमा अहले सुन्नत की एक रिवायत आपको सुना देता हूँ हमारे यहाँ तो जल्दी में पढ़ जाते हैं ना लोग
या रसुल्ला जब भी फातिमा आती थी खड़े हो जाते, नहीं आप जाइए बरादरान अहले सुन्नत की किताबों पढ़िए। रिवायत जानते क्या है, खाली फातिमा सामने से आती थी तो उठते थे, नहीं रिवायत ये कहती है कि नबी खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते देते खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। साहब पूछा रसुल्ला खड़े क्यों हो गए, कब पर्दे के पीछे दीवार के पीछे खवातीन में मेरी बेटी फातिमा आई थी। मतलब क्या है इसका, मतलब समझे, अगर रसूल अल्लाह खाली घर में एहतराम करते तो मामला कुछ और था, मगर पर्दे के पीछे फातिमा का एहतराम करना इस बात की दलील है कि खाली फातिमा का एहतराम जब तक नहीं होगा जब तक फातिमा नजर आए। फातिमा का एहतराम उस वक्त भी होगा जब फातिमा इस दुनिया से पर्दा कर जाए, फातिमा की औलाद का एहतराम होगा, फातिमा की कब्र का एहतराम होगा, फातिमा की वाकयात का एहतराम होगा, फातिमा की जिंदगी का एहतराम होगा, फातिमा के नाम का एहतराम होगा। और याद रखो अगर कोई फातिमा की तौहीन कर रहा है तो वो हमारा मुजरिम नहीं है, वो उसका मुजरिम है जिसने खड़े होकर फातिमा का एहतराम किया है। रिवायत क्या कहती है, जब फातिमा आती थी रसूलल्लाह खड़े हो जाते थे, नहीं रिवायत का जुमला है जब फातिमा आती थी रसूलल्लाह उठते थे आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ने के बाद फातिमा के हाथों को चूमते थे, फातिमा की पेशानी को चूमते थे, फातिमा को गले लगाते थे, अपने साथ लाते थे और जहां से खुद उठ के गए हैं उस मकाम पे फातिमा को बिठाते थे। नहीं पहुंचे आगे बढ़ते थे, पेशानी चूमते थे, गले से लगाते थे, लाते थे और कहां बिठाते थे, अपनी जगह, अपनी जगह। इस अपनी जगह को समझो जवानों, बहुत बड़े जो सवाल का जवाब दे रहा हूं, अपनी जगह बिठाते थे, अपनी जगह। मुझे आने में बहुत देर हो गई, ये लोग पहुंचे ले, आने में तकरीबन 40-50 मिनट लग गई, आप इंतजार करते रहे ना, क्यों, उसकी वजह है, वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आप शेर पढ़ेंगे सब कुछ होगा मगर मौलवी की जगह नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा जी, कोई मसला आया, अरे नहीं मौलाना मसला है, मतलब मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ने आया, आप यहाँ बैठ गए। अभी भाई अशारी पढ़ रहे थे कि मैं खड़ा हो गया, लोगों ने कहा तो ये पढ़ ही रहे मौलाना क्यों खड़े हो गए, मैंने उधर देखा अच्छा अच्छा कोई साहब आए खड़ा हो गया, अरे मौलाना कम से कम लोग ध्यान दे, और मैं वहाँ से उठा फिर वहाँ जाने लगा, मौलाना क्यों जा रहे हैं, और सारा मजमा देखे मौलाना क्यों जा रहे हैं, जाके उन्हें गले लगे उसका मतलब मौलाना की तरीबी है, फिर पेशानी चू उसका मतलब मौलाना को मोहब्बत है, फिर हाथ चू उसका मतलब मौलाना बड़ा एहतराम करते हैं, और लाऊँ और ला के यहाँ बिठा दूँ अपने साथ, आपको किसी को एतराज़ नहीं होगा, होगा होगा। मैं उठा के मेरा जाती फेल था, मैं आगे बढ़ा जाती फेल था, मैंने चूमा मेरा जाती फेल था, मैंने गले लगाया मेरा जाती फेल था, मैं यहाँ तक लाया मेरा जाती फेल था। जैसे ही इन्होंने के बाद ये खड़े हुए, इन्होंने अशार पढ़े और इन्होंने खड़े होकर कहा क़िबला, अब मैं हाथ जोड़ खड़ा हूँ और मैं कहूँ कि नहीं मैं नहीं, ये पढ़ेंगे जिन्हें मैं लाया हूँ चूमा, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फौरन पता क्या कहेगा, जो मुझे लेके आया वो कहेगा मौलाना सुनिए आपका चूमना सही था, गले लगाना भी सही था, जाना भी सही था, सुना भी सब कुछ सही था, मगर मौलाना बात है यहाँ बैठने की, यहाँ बैठने की दो सूरतें हैं, या आप बैठेंगे या वो बैठेगा जो आप जैसा हो, या आप जैसा बैठेगा या वो बैठेगा जो आपसे बेहतर हो। अगर सुनना तो बैठ ही रहे फातिमा को बिठा रहे, तो फिर आलम इस्लाम जाके पूछे ना या सुनना ये बताइए कि फातिमा बेहतर है या आप जैसी हैं, सवाल तो पैदा होता है। रसूलल्लाह ने सबके मुंह बंद कर दिए कि कहके कि फातिमा तो उम्मे अबीहा, फातिमा अपने बाप की मां, क्या समझ रहे हैं, ये तारीख जो आ रही है बड़ी गर्वनाक तारीख है, बड़ी गमगीन की तारीख है, क्यों, क्योंकि जनाबे जहरा का रोजा गिराया गया है। कौन जहरा, इसकी खुशबू सूंघ के रसूलल्लाह ये नहीं कहते थे फातिमा तेरी खुशबू आ रही है, बल्कि सूंघ के कहते थे फातिमा जब मैं मोहम्मद जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता हूँ तब तुझे सूंघता हूँ। और तेरे जिस्म से मुझे नहीं पहुंचे, तेरे जिस्म से मुझे जन्नत की खुशबू आती है, इसीलिए जहाँ फातिमा दफन है वो जन्नतुल बकी है, जहाँ खुशबू आ रही है वो जगह क्या है, जन्नतुल बकी। मुसलमान इसीलिए तो परेशान था, वो समझ रहा था कि ये मकाम जन्नत किसकी वजह से, जाली की वजह से, गुंबद की वजह से, छत की वजह से, दीवारों की वजह से, सब कुछ गिरा गिरा दिया, मगर क्या वो हार गया, जीत गया, नहीं हार गया, क्यों, क्योंकि वो कल भी जन्नत था,
आज भी जन्नत है और ज़हूर तक और ज़हूर के बाद तक जन्नत रहेगा। क्यों? क्योंकि दीवारों की वजह से जन्नत नहीं था, वजूद फातिमा की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। माना तो अकीदा ही है कि जहां फातिमा आ जाए वो जगह जन्नत है। इतनी दुश्मनी की गई है, याद रखिएगा हमारी और आपकी दुश्मनी में फर्क है। वो फर्क क्या है? हम इंसान से जब दुश्मनी करते हैं दो सूरतों में। पहली सूरत ये होती है कि उसके वजूद को मिटा दिया जाए, उसकी शख्सियत को खत्म कर दिया जाए, उसके कद को पस्ता कर दिया जाए, ताकि अगर वो समाज में बोलने लगे तो कोई भी खड़े होकर मियां चुप रहिए, आप अपनी तरफ तो देखिए आपका वजूद क्या है। पहली सूरत यह। दूसरी सूरत क्या है कि अगर उसको वैसे खत्म नहीं कर सकते तो उसको वैसे कत्ल कर दो, ताकि उसकी जिंदगी खत्म हो जाए, या घटा दिया जाए या मिटा दिया जाए। दो सूरतें। या किसी से अगर दुश्मनी है उसे घटा दो या मिटा दो। आलम इस्लाम ने जनाब सईदा के साथ दोनों काम करना चाहिए, घटाना चाहा तो घटा नहीं पाए और मिटाना चाहा तो मिटा नहीं पाए। जब आलम इस्लाम फातिमा को घटाना चाहता था तो आए तदबीर आगे बढ़ी और पढ़ के कहा जिसके दामन पे मैं हूं उसे तुम घटा नहीं सकते। और जब दुनिया फातिमा को मिटाना चाहती थी तो नस्ले इमामत आगे बढ़ी और पढ़ने के बाद कहा जिसके दामन में नस्ले इमामत है उसे कोई। आपने गौर किया फातिमा का प्रोटोकॉल? फातिमा उसे कहते हैं जिसे आयत ने घटने नहीं दिया और इमामत ने मिटने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्या किया जाए? ना घटा पा रहे ना मिटा पा रहे। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या? हमारे यहाँ फार्मूला ये कि अगर इंसान कोई बहुत लंबी लाइन खींच दे तो उसे मिटाने में वक्त जाया ना करना, बल्कि अकलमंदी है कि उसकी बगल में दो तीन लाइनें जल्दी जल्दी से और खींच दो, ताकि जब कोई नया आदमी आए तो उसी में कंफ्यूज हो जाए इसमें असली कौन सी है और नकली कौन सी है। पर जनाब सैयदा के साथ यही हुआ, जब ना लोग मिटा पाए ना घटा पाए, दोनों ने ये किया कि बगल में सैयदा के तीन नाम और लिख दिए। क्या कहने वाला है? देखिए तीन नाम ये लिख दिए, ये और उसके बाद एक जुमला लिखा ब्रैकेट में। वो ब्रैकेट का जुमला क्या था? उन्होंने लिखा रसूलुल्लाह के तीन बेटियां और थी फातिमा के अलावा, रसूलुल्लाह के तीन बेटियां और थी फातिमा के अलावा। एक जुमला कहूं अगर आप दीदार, आपको लिखने वाले की कमजोरी नजर नहीं आई, उसका बेचारापन नजर नहीं आया, उस पर अफसोस नहीं हो रहा, उसके कलम में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ये लिख दे कि फातिमा के तीन बहनें और थी। जानता था कि मोहम्मद की बेटियां बनाना आसान है, फातिमा की बहनें बनाना आसान है। रसूलुल्लाह की बेटियां बनाना। और आप जाइए नाम क्या रखे, नाम क्या रखा? ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम। अब भी ताज्जुब नहीं हुआ, नाम भी आपके कबीले के रखे, आपके घराने के, उनके घराने का नाम भी नहीं रखा। क्योंकि अगर नाम रख देता तो ये कौम इतनी तेज है नाम देख के समझ जाती है कि इधर का है। उधर का रख दिया उन्होंने। रसूलुल्लाह की तीन बेटियां और थी। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, बहुत आराम से आहिस्ता से हाथ जोड़ के, आप पे कोई फर्क पड़ा? बोलिए। नहीं पड़ा? नहीं। किसी को पड़ा? क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये बात हमें मौली साहब ने नहीं सिखाई, ये बात हमें अम्मा ने भी सिखाई है गोद में, कि बेटे अहले बैत को मानना तेरा काम है, अहले बैत की इज्जत आबरू की हिफाजत करना अल्लाह का हमारा काम। क्या अहले बैत को मानना, अहले बैत की आबरू इज्जत की हिफाजत कौन करेगा? आपने लिख दिया रसूलुल्लाह की तीन बेटियां और थी, किसी शिया को कोई एतराज नहीं, सब मानने के लिए तैयार, मगर क्या करें, मान तो ले। मुश्किल यह है कि हम रसूलुल्लाह के मानने वाले। रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनी, रसूलुल्लाह ने फरमाया मुसलमानों अदालत के साथ जिंदगी गुजारना। तो कौन ऐसा है जो अदालत के साथ नहीं गुजारता भाई? अदालत के साथ जिंदगी कौन नहीं गुजारता? बाप मरता है आधा मकान एक बेटे को दिया जाता है, एक आधा आरती को, दो दुकानें होती हैं, इसको एक इसको, ठीक है। एक ही मकान छोटा होता है, कहती छत पे ऊपर बड़ा वाला रहेगा, नीचे छोटा वाला, ये होता है ना। फरमाया ये वाली अदालत नहीं, जिंदगी वाली अदालत। अपने बच्चों के साथ, अपनी औलाद के साथ अदालत से काम हो तो बच्चों के साथ कौन अदालत से? यानी बिल्ला अदालत से क्या होगा? तो फिर मासूम ने उसकी वजाहत फरमाई, मासूम ने फरमाया कि अगर खुदा तुम्हें दो औलाद दे दे उसका एक अदालत पे क्या तकाजा है? एक को गले लगाओ तो दूसरे को भी लगाओ, एक को चूमो, एक को गले सीने से लगाओ, एक को तोहफा दो। अगर
मैं जुमला कह दूं यार रसूल अल्लाह आप हमसे तो कह रहे हैं दालत से काम लें यार रसूल अल्लाह अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए क्या मैंने कहा फिर ये मुसलमान क्या कहेंगे मैं मुसलमान तो फौरन कह गया ना कि नबी अल्लाह तो खुद ही अदालत से काम नहीं लिया क्या क्या खाली फातिमा के लिए उठे थे अगर तुम्हारे दो बेटे तो अदालत से काम लेना दो बेटियां एक को चूमो तो दूसरे को भी चूमो एक को गले लगाओ दूसरे को भी लगाओ एक को सीने से लगाओ तो दूसरे को भी एक को गोद में उठाओ तो दूसरे को भी एक को तोहफा दो हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप उनसे कह रहे हैं मगर आप चूमते थे फातिमा को हाथों को बोसा देते थे फातिमा के गले लगाते थे फातिमा को लाते थे फातिमा को उठते थे भी फातिमा के लिए और कहां गई है बताओ कभी तारीख में मिला तुम में चूम के लिए उठते बोलिए रुकैया के लिए उठे उठते किसी के लिए उठे बोलिए एक के लिए उठे अरे नहीं छोड़िए बाप बेटी का मामला कहां आप खींच के ला रहे हैं भाई तुमने लिखा है हमें खींचने की तो इजाजत दो तुमने लिख दिया हमें उसकी वजाहत तो करने दो छोड़ दीजिए वो बचपन की बात है बाप बेटे का मामला है देखिए आज जितने बैठे ना वो दो कंडीशन होंगे या उनकी शादी हो चुकी है या उनकी होने वाली मैं दुआ करूं जिनकी हो चुकी है अल्लाह उनको सलामत रखे जिनकी नहीं हुई है अल्लाह उनकी करा दे जब आप शादी के लिए जाते ना तो दो मौली साहब आते एक लड़के वाला एक लड़की वाला वो जो लड़की वाला होता है वो दूल्हा के पास आने से पहले लड़की के पास जाता है और जाके क्या कहता है बेटी क्या मैं तेरा फला इब्ने फला से पढ़ दूं क्या तू मुझे अपना वकील मुहैया करती है वो कहती हाँ जी करती हूँ बेटी ये बता मेहर कितनी होगी तो बेटी कहती अब्बा से पूछ लूं फिर वो अब्बा के पास जाते हैं मौलाना भाई मेहर तो बताइए तो कहते हैं मेहर क्या रखना है मौलाना वही रखिए जो सबका है क्या क्या मेहर बात नहीं याद रखिएगा अब तो तरक्की हो गई अब तो मेहर पता कितना रखा है 14 लाख पंजतन के नाम का 5 लाख रख दीजिए 12 इमामों के नाम पे 12 लाख रख दीजिए मासूम 14 के नाम अगर उसे कल 72 शहीद याद आ गए सोचिए अब सुनिए हदीस मासूम फरमाते दुनिया की बदकिस्मत खातून वो है जिसका मेहर ज्यादा हो बेशक बेशक दुनिया की बदकिस्मत खातून हुआ है जिसका मेहर और आप इसे 107 तोला चांदी को हल्के में ना ले इसकी कोई कीमत नहीं है मगर इसके सामने जो मेहर फातिमी लगा है ना शादियों को आसान करे शादियों को हल्का करे इस समाज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शादी की वजह से हो रही है शादी टाइम पे नहीं हो रही वो मैं नहीं जमा कर पा रहा वो हालात ही नहीं पता कर पा रहा भले तर्क है क्या काम मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ जितने बैठे हैं उनमें से कितने अपराध है जिनका मेहर फातिमे को हुआ ज्यादातर लोग है हुआ सकता अक्सर का हुआ इसमें तो शर्माने की बात नहीं है हुआ तो मेहर ज़ैनबी किसी ने देखा मेहर उम्मे मुल्सूम मेहर रुकैया चलो किसी के लिए उठे नहीं थे मेहर तो सबका अलग अलग कर देते आप कह रहे हैं भाई चलिए वो प्यार करना वो चूमना वो गले लगाना वो सब अपना अपना है मगर मेहर तो सबका होता ताकि जब शादियां होती तो लोग कहते थे सुनिए बड़े भाई की मेहर फातिमी को हुई थी हमारी मेहर जैनब को होगी हमारी मेहर फला को नहीं फातिमी मेहर किसका मशहूर है फातिमा उठना किसके लिए मशहूर है गला लगाना किसका मशहूर है छोड़ दीजिए आप वो भी छोड़िए मेरे बात क्या लग रही है तो आपस में तय कर लिया गया था इसका क्या रखा जाएगा इसे रहने दीजिए चलिए मेहर का पता ना हो समाज को मगर एक चीज का पता होता है होता है जहेज खामोश हो गए जहेज भाई जहेज ऐब नहीं है पहले सुन लीजिए प्रॉब्लम क्या है कि हम तक बातें पहुंचाई नहीं जहेज ऐब नहीं है जहेज लानत नहीं है इसलिए कि अगर जहेज लानत होता तो मौला कायनात कभी ना लेते
मगर मसला यह है कि जहेज को लानत बताता है लेना, जहेज ऐसे लो जैसे ने अली ने लिया, पहले मेहर दिया बाद में जहेज दिया। जब रिश्ता लेके गए अली, ये बताओ मेहर में क्या रखते हैं? माले दुनिया से घोड़ा है, तलवार है, जीरा है। कह लेंगे घोड़ा सवारी के लिए जरूरी है, तलवार मैदान के लिए जरूरी है, 25 जीरा उसकी तुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि तू किसी को फूल दिखाता नहीं है। 500 दिनार में वो बिकी, लाके रसूलल्लाह को दे दिया, उसी से सामान खरीदा गया, वो कटोरा वो चक्की वो बिछौना उसी से खरीदा गया, उसी से खाना खिलाया गया। तो भैया अगर ऐसी ताकत हो कि पहले सुजा साहब को 50 लाख ट्रांसफर कर दिए जाए और फिर कह दिया जाए कि अब परेजा भी दीजिएगा और खाने में ये दिया, तो जहेज जायज है। और अगर आपने पूरा घर बना के और 2 गाड़ियों की पार्किंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि 2 बेटे हैं, तो वो आने वाला जहेज फिर लानत है। क्यों लानत है? इसलिए कि तुमने मेहर दिया नहीं, मेहर तो तुम माफ करा लोगे, तो होता नहीं है, तो होता नहीं है, वो आप करा लेते हैं माफ, ठीक है। अब आप सुनिए, अब जहेज फातिमी किताबों में मौजूद है, जाके है तारीख में, आप जहेज ज़ैनबी दिखाइए, है जहेज उम्मे कुलसुम नहीं है, जहेज रुकैया नहीं है, माले भाई ना मेहर दिख रहा है ना जहेज दिख रहा है। सुनिए, दामाद चाहे जितना शरीफ हो उस वक्त तक शरीफ रहता है जब तक घर में दूसरा ना आए, जैसे ही दूसरा आता है पहले वाला अपना रंग दिखाता है, दिखाता है कि नहीं। मसलन किसी को अल्लाह ने 4 बेटियां दे दी, 4 में से 3 में उसके हालात ऐसे थे कि मोटरसाइकिल नहीं दे पाया, और चौथी को दे दी उसने, तो जो 3 पहले वाले होते हैं वो जाके अपनी बीवी से कहते हैं कि कम से कम उस वक्त हालात नहीं थे, तो हालात में कम से कम जब इसे दे रहे थे हमें भी दे देते, कहते कि नहीं। चलो जब फातिमा को जहेज दिया गया तो कोई तो होता जो जाके शिकायत करता, करता कि नहीं, समाज में करता कि हमें नहीं दी, कम से कम हम तो हैं हमें दे देते, नहीं दी गई, दी गई, छोड़ दीजिए भाई, ना जहेज मशहूर है, ना मेहर मशहूर है, ना उठना मशहूर है, और करी बात करें बहुत आहिस्ता, मतलब 4 बेटियां हैं, 3 दामाद है, ठीक है ना, 3 दामाद। सुसर को एक ऑफिशियल मीटिंग में जाना हो और छोटे दामाद को बुलाया गया, भाई इधर आओ मैं जा रहा हूँ, चलो तुम भी चलना, उसने ठीक है, और सुनो बिटिया को भी ले आओ, वो बिटिया को भी ले आओ, और बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी नहीं है, उन्हें भी लेके चलो, दामाद को भी ले जाए, बच्चों को भी ले जाए और बिटिया को भी ले जाए, और वो मीटिंग इतनी सक्सेस हो जाए कि कुरान में आयत बन के आ जाए, आप समझे, वो मीटिंग इतनी सक्सेस हो जाए, हंगामा हो जाए, ठीक है। अब जब वो सक्सेस होगी, आप यकीन जाने चाहे जितना साबिर दामाद हो, वो शाम में ये जरूर कहेगा कि कम से कम ले जा रहे थे हमें भी ले जाते, हम भी तो मदीने में टहल रहे थे, हमें नहीं लेके गए, कहा किसी दामाद ने, कोई से दामाद ने कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि अगर नबी खींच के भी ले जाते तब ये ना जाते, क्योंकि इन्हें मालूम था कि ये है मैदान मुबाहला, मैदान जंग नहीं, मुबाहले में और जंग में फर्क यह है कि जंग में चलती है तलवार, मुबाहले में चलती है लानत, और तलवार में और लानत में फर्क यह है कि तलवार गर्दनों को काटती है, लानत नस्लों को बनाता है। भाई कोई है बताइए, किसी दामाद ने कहा, छोड़िए दामाद भी पक्के थे, बेटियां तो कह सकती थी कि आप सबसे ज्यादा प्यार इन्हीं के लिए करते हैं, हमें नहीं लेके गए, छोड़ दीजिए भाई, दामाद भी लाजवाब, बेटियां भी लाजवाब, कोई शिकवा नहीं, मगर याद रखिएगा बच्चे हर घर के एक से होते हैं, और जो नाना है ना उन्हें तजर्बा है इस बात का कि जब गर्मियों की छुट्टियों में 2 बेटियों के बच्चे घर आते हैं और नाना एक बच्ची के बच्चे को ले जाके तीसरी गली से टॉफी दिलाता ना, तो वो खाता नहीं है, हाथ में पकड़ रखता है और घर आके दूसरी वालों को दिखाता है, वहां से लेकर फिर नाना लेके जाता है, तो कम से कम अब्बा शरीफ थे, अम्मा शरीफ थी, बच्चे का हाल जो नाना से आके कहते हस्बैंड के लिए लिबास आया है हमारे लिए, आप ये तो समझ गए होंगे कि मैंने पोस्टमार्टम किसका कर दिया।
रात बॉडी आपके हवाले होने वाली है, ले जाके दफनाइएगा या बहाइएगा या जलाइएगा, आपकी मर्जी। मगर मैंने बात खत्म कर दी अपनी, बताइए भाई। बच्चों की जिद तो होती है, बच्चा हाथ में टॉफी रखेगा घर आते ये लाए नाना दिला के, और फिर नाना पूरे महल्ले में घूम जाए तो मैं लूंगा। तो कम से कम बच्चे तो थे, वो आगे कहते नाना हसनैन के लिए लिबास आया है मेरे लिए भी मंगवाओ, हसनैन के लिए लिबास आया है कुर्ता आया है ये आया मेरे लिए भी मंगवाए। छोड़ दीजिए भाई साहब, इससे माँ भी शरीफ बेटा भी शरीफ सब शरीफ, इतने शरीफ है, मतलब नाना एक की बच्ची के बच्चे को कहा दूसरा कपड़ों में कट जाएगा, मैं भी बैठूंगा। होता क्या आप हसनैन के रसूल अल्लाह के कांधों पर हसनैन के अलावा किसी को दिखाई दे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है कोई? बस बात ही खत्म कर देता हूँ। एक उठे एक के लिए चूमा, एक को गले लगाया, एक को पढ़ के लाए, एक को अपनी जगह बिठाया, एक को मेहर एक का, जहेज एक का, मुबाहले में एक, मुबाहले में एक के बेटे एक का शोहर, कांधों पर बिठाया एक के बेटो, लिबास मंगवाया। अरे भाई सब कुछ छोड़ दीजिए, कम से कम हमें तारीख से एक मंजर ऐसा लाके दिखा दो कि मदीने की किसी गली से कोई बच्चा निकल के आया हो और उसने कहा खालू अली सलाम अलैकुम। अरे हैदरी इतना भोला समझ रहे हो, तुमने लिख दिया हम मान लेंगे, हम कैसे मानेंगे? हम बच्चे भी देखेंगे, दामाद भी देखेंगे, जमीन पर भी देखेंगे, आसमान में भी देखेंगे, ऐसे थोड़े ही मान लेंगे। सुनो ये तो थे नहीं, इन्हें तो हम मान ही नहीं सकते, जो थे उन्हें भी हमने जल्दी से नहीं माना। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले जनाब जारा की जाति जिनका तारुफ करा। तीसरे नंबर पे इमाम हसन, इसके लिए फरमाया हसन मिन्नी वादा मिन हो, हसन मुझसे और मैं हसन से। याद रखिएगा इस मिंबर की बहुत बड़ी मजलूमियत यह कि इस मिंबर से इमाम हसन का तारुफ नहीं हो। इमाम हसन की जात तो मामूली जात नहीं है, बहुत बड़ी जात है। सूरह कौसर की पहली तफसीर है इमाम हसन, जिसने ज़बान रिसालत हुसैन से पहले चूसी हुआ है हसन, जिसने रसूलुल्लाह की उंगली हुसैन से पहले पकड़ी हुआ है हसन, जो रसूलुल्लाह के सीने पर हुसैन से पहले चला हुआ है हसन, जो पोशे रिसालत पर हुसैन से पहले बैठा हुआ है हसन, जिसने आगोश ज़हरा की गर्मी को हुसैन से पहले महसूस किया हुआ है हसन। कौन है? एक लंगड़ा क्या तू? जो हुसैन जैसे इमाम का 10 साल इमाम रहे उसे कहते हैं हसन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर चौथा तारुफ किसका है? वो हदीस जो हर शिया के बच्चे के ज़हन और दिल में, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। मतलब क्या है? जैसा मैं वैसा हुसैन, जैसा हुसैन वैसा मैं। चार साल अली मुझ जैसे, मैं अली जैसा, फातिमा मुझ जैसी, मैं फातिमा जैसा, हसन मुझ जैसे, मैं हसन जैसे, हुसैन मुझ जैसे। अब लोग हमसे पूछते हैं आप सबको छोड़ के इन्हें क्यों मानते हैं? जवाब दीजिए क्यों मानते हैं? इसलिए कि इनके घर में कुरान था यार, इसलिए कि इनके घर में इस्लाम गुटमियों चला है, इसलिए कि दौरे रिसालत में थे? नहीं भैया, हम तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं क्यों मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं कि नबी ने बार बार कहा तुम मुझ जैसे, इन चारों ने एक भी बार नहीं कहा कि नबी हम जैसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, इसलिए वाह 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 वाह, नबी ने बार बार कहा अली तुम मुझ जैसे, अली ने एक भी बार नहीं कहा, फातिमा तुम मुझ जैसे, फातिमा ने एक भी बार नहीं कहा, हसन तुम मुझ जैसे, हुसैन तुम मुझ जैसे। कम से कम चलिए अली बड़े थे, अली ने नहीं कहा, हसन बड़े थे, फातिमा बड़ी थी, फातिमा ने नहीं कहा, हसन और हुसैन तो 6-6, 7-7 साल के बच्चे थे, 5-6 या 7 साल, छोटा सा बच्चा कितना बड़ा होता। मगर मैं ये माइक या मैं इस पढ़ रहा हूँ भाई, उठ जाओ माइक उठा के ले जाए तो सारा मजमान के सर आ जाए, क्यों हटाया तुमने, क्यों क्यों कहीं खड़े हैं? मगर ये बच्ची आओ इस माइक को उठा के वहाँ भेज दें, कोई भी इस बच्ची को नहीं कहेगा। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं बच्ची है,
बच्चा है, यानी बच्चे का ठहरा हुआ अमल को सीरियस नहीं लेता। अली ने नहीं कहा हम जैसे, फातिमा ने नहीं कहा हम जैसे, हसनैन कह देते कि नाना हम जैसे, उन्होंने भी नहीं कहा। आप कह दीजिए कब, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? ताकि दुनिया को पता चल जाए कि उम्मत के बुड्ढे और हैं, फातिमा के बच्चे और हैं। वाह अल्लाह, वाह 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 दुनिया कहे फर्क नहीं पड़ता, नबी बार बार कहे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने एक बार कह दिया कि नबी हम जैसे, मुसलमान लिख के रख लेगा। अली ने भी तो कहा था, फातिमा ने भी तो कहा था, हसन ने भी तो कहा था, हुसैन ने भी तो कहा था, हमने ना कह के दुनिया की ज़बानें बंद कर दी। ओ होश में आओ, जब नबी के हम साथ नबी जैसे नहीं, पर साथ नबी जैसे कैसे होगा। वो पांच बड़े हैं इसका तारुफ किया है कुरान ने, कराया मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन। याद रखना, जो शरीयत आई है वो इन्हीं के घराने से आई, जो अकीदा आया है वो इन्हीं के घराने से आया, जो उसूल, जो कानून, जो दस्तूर हम तक पहुंचाए वो इन्हीं के जिंदगी से पहुंचाए। शुक्र अदा किया करो कि तुम्हारे मोहम्मद के दरवाजे बैठे, शुक्र अदा किया करो कि तुम फातिमा के दरवाजे, शुक्र अदा किया करो कि तुम हसन हुसैन के दरवाजे। याद रखना, दरवाजे तो तुम्हें दुनिया में हर गली में खुले हुए मिल जाएंगे, मगर याद रखना हर दरवाजा खुला हुआ है मगर दरवाजे का कोई वारिस नहीं। मगर ये जितने अजा खाने खुले हुए हैं उस हर अजा खाने का एक वारिस है जो पर्दे पे है। कौन है? हमारा इमाम। कौन है? अलामतें पूरी होती जा रही, कभी जिंदगी रही तो सिर्फ इसी में पढ़ूंगा। वो अलामतें जो पूरी हो रही हैं और वो जो होने वाली हैं वो खुद ही कुरान है। चूँकि हमारे कौम के बच्चों को मुतवज्जो होना चाहिए कि आखिर कैफियत क्या है, किस तरीके से हम इमाम बनना पाऊँ। बस ये पांच पड़े हैं, फजाइल के अतबार से पढ़े हैं, फजाइल के अतबार से, इनसे ज़्यादा फजाइल किसी के नहीं। मगर याद रखना खाली फजाइल के अतबार से नहीं, मसाइब के अतबार से। खाली में सूरत का जी गरीब जुमला है, वो कहता है कि अगर आले मोहम्मद की मजलूमियत देखना है ना तो इनके घरों के जनाजों को देखो, इनके घरों के जनाजों देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि आले मोहम्मद कितने गरीब हैं। रसूलुल्लाह के जनाजे में 7 या 8 सैयदा के जनाजे में 7 या 8 कायनात के जनाजे में हुजूम जमा है और जो जनाजा लेके गए हैं वो चंद ही अफराद हैं। इमाम हसन के जनाजे में तो बिल्कुल दुश्मनियाँ खुल के सामने आ गई, इतनी दुश्मनी हुई है, इतनी दुश्मनी हुई है कि जनाजे में तीर चला दिए। जाके रिवायत देखिएगा, इसलिए कि अकीदा छुपाने का नहीं, अकीदा बताने का जमाना है। जाके आप देखिए और जाके तारीख से पूछिए कि जिस औरत ने इमाम हसन को जहर दिया है, जो दबिन तशश, वो कौन है, किसकी रिश्तेदार है, किसकी भांजी है, और किसकी बहन है, तारीख से पूछिएगा। और फिर उस खातून के लिए भी जाके पूछिएगा जिसने इमाम हसन के जनाजे में पहला तीर मारा। उसके बाद इमाम हुसैन, इमाम हुसैन की तो मजलूमियत की इंतहा हो, कम से कम हसन का जनाजा तो उठता, कम से कम हसन को गुस्ल तो दिया गया है। हुसैन तो इतने गरीब है कि ना गुस्ल उठ के दिया गया है, न कफन पहनाया गया है, ना ही जनाजा उठाया गया। फतीब आले मोहम्मद कहते थे, हाय फातिमा तेरी मजलूमियत, कि अल्लाह ने तुझे दो बेटे दिए, एक हसन एक हुसैन, एक शब्बीर एक शब्बर, एक सर सुर्ख कबा वाला एक सब्ज कबा वाला। कहते एक अमीर है एक गरीब है। मुझसे पूछा गया अमीर कौन है और गरीब कौन है, उन्होंने कहा हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। खुदा गरीब का रहमत करे मौल। खतीब आले मोहम्मद को कहते थे हुसैन अमीर है गरीब है, हसन अमीर है। उलमा ने इस पर बहस की, कहते या तो दोनों को अमीर कहो या दोनों को गरीब कहो, ये तुमने क्या किया, एक को अमीर कह रहे हो एक को गरीब। उन्होंने कहा नहीं, हसन अमीर है हुसैन गरीब है। उन्होंने कहा फर्क क्या है, उन्होंने कहा फर्क ये है कि जो वक्त आखिर बिस्तर पे तड़पे वो अमीर है, जो जमीन करबला पे तड़पे वो गरीब है। अल्लाह वो गरीब है। और फर्क बताऊं, वो कहते हैं जो वक्त आखिर 3.5 साल का बेटा छोड़े वो अमीर है,
वो साढ़े तीन साल की सकीना छोड़े हुआ मरी है। कहते हैं जिसके यतीम कासिम को कभी हुसैन कभी अब्बास कभी मोहम्मद हनफिया प्यार करे वो अमीर है, और जिसकी सकीना को शुभ तमाचे मारो वो मरी है। अल्लाह खुदा तुम्हें कोई हम ना दे सिवाय गम सरकार अब अमीर और गरीब पता ना होंगे कैसे अपराध है, इसकी कैफियत को महसूस कीजिएगा। अमीर और गरीब का फर्क, जो बिस्तर पे तड़पे अमीर, जो जमीन पे तड़पे वो गरीब, जो बेटा छोड़े वो अमीर, जो बेटी छोड़े वो गरीब, जिसके यतीम को प्यार हो वो अमीर, जिसके यतीमा के तमाचे लगे वो गरीब। वो कहते हैं अमीर और गरीब का सबसे बड़ा फर्क ये है, सबसे बड़ा फर्क ये है, कहते हैं जिसके जनाजे में पीर हो वो अमीर है, जिसका जनाजा पीर हो वो गरीब है। उसके बाद कहते हैं और फर्क बताऊं का बताइए, अमीर और गरीब का फर्क ये कि जिसे दो दो कफन मिले वो अमीर है, इसे एक भी कफन ना मिले वो गरीब है। और आखिरी जुमला कहते तो खतीब आले मोहम्मद रेत पे आ गए, वो कहते अमीर और गरीब का सबसे बड़ा फर्क ये है, सबसे बड़ा फर्क ये कि जिसके जनाजे पे ज़ैनब चादर ओढ़ के जाए वो अमीर है, जिसके लाशे पे ज़ैनब सरनंगे जाए। तारीख कहती है जब शबे आशूर आई है तो एक शख्स है जिसका नाम है हिलाल इब्ने नाफे, वो हिलाल आया इमाम के पास और कहता है मौला मैं करबला को आपकी आंखों से देखना चाहता हूँ सुबह के आले मोहम्मद की गुर्बत। इमाम ने कहा हिलाल मैं तुझे करबला अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूँ। इमाम आगे आगे हिलाल पीछे पीछे, इमाम आगे आगे हिलाल पीछे पीछे। इमाम ने बताना शुरू किया हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरे अली अकबर किसी ने बच्ची लगी थी, हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरे अब्बास के दादा बाजू को देगा, हिलाल ये वो जगह है जहाँ बाया बाजू को देगा, हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरा अब्बास जमीन करबला में गिरेगा, हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरा जोर गिरेगा, हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरा हबीब गिरेगा, हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरा हुसैन गिरेगा, हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरा हुसैन गिरेगा। हुसैन के नाते जाते तारीफ करती है हिलाल को लेकर इमाम के नशे में उतरे, आवाज दी हिलाल रुक जा, हिलाल रुक गया। चंद लम्हों के बाद इमाम जब पलटे सर पे अमामा नहीं था, सर में खाक पड़ी हुई थी, इमाम की आंखों से आंसू जारी थे। हिलाल आगे बढ़ा बोला ये क्या आलम हो गया, बोला कौन सी जगह थी चाहे ये कैफियत हो गई। इमाम ने कहा हिलाल ये मेरी कत्लगाह है, हिलाल ये वो जगह है जहाँ तेरा मौला हुसैन तीन दिन का प्याजा सभा कर दिया जाएगा। हिलाल ने हाथों पर जोड़ के कहा मौला फिर मुझे क्यों नहीं आने दिया, ए हिलाल कैसे आने देता जब मेरे वहां जा गिरेगा तो क्या देगा, मेरी माँ अपने बालों से मेरा मख्तल साफ करेगा। हमारी मुख्तसर करीम से भरपूर सबों की निजात को शायद आखरत करा दे, और उम्मीद के सारे सवाब के लिए मेरी सजा बर्पा की गई इशारे तब तनाई तब खिदमत कर सुना दर्जात को बलंद से बलंद कर फरमा, जवार अहले बैत में जगह ना जवार मासूमी में जगह ना मेरे अल्लाह जितने बैठे इन सबको मांगने का तरीका नहीं आता जो अता का सलीका आता मेरे अल्लाह इनकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा, मेरे अल्लाह इनको अपने अलावा किसी दूसरे का मोहताज करार न दे, इनके ऊपर वो हाथों कहते हैं हाथे मफरना गुनाहों को माफ कर दे, गुनाहों को माफ कर दे, गुनाहों को माफ कर दे, आखिरत बखैर कर दे। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का हमारे बुजुर्गों का साया सरों पर बरकरार कर, मेरे सेहत व सलामती इनायत फरमा, मेरे अल्लाह जो बीमार है उन शिफाए कामिला और सेहत आजला इनायत फरमा। कराची में अल्लामा नाज़िर तकरी साहब का बेटा बीमार है अलील है, खुदाया बेहक बीमार है करबला उसे शिफाए कामिला उसे हत आजला, दुनिया में जहाँ भी कोई बीमार है उसे शिफाए कामिला उसे हत आजला इनायत फरमा। आज मौना का फोन आया तो बता रहे थे कि आज ही एडमिट हुआ है, जो प्रॉब्लम है कोई बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ मशीन का, खुदाया बेहक के सफर है करबला हाजरीन में अगर कोई बीमार है रूहानी बीमारी जिस्मानी बीमारी उसे शिफाए कामिला उसे हत्या के लिए मेरी सजा बरपा की है,
उनको फिशार का तन्हाई का खलवत का से महसूस होगा, उनके जवार अहले बैत में जगह ना है अल्लाह। ये जो सबाब पूरी दुनिया में पैदा हो रहे हैं अल्लाह, इससे शियत को सरबलंदी अता फरमा अल्लाह, इसके इज्जत और वकार में रोज बरोज इजाफा फरमा मेरे अल्लाह, परचे में इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, परचे में कुफ्र को रिश्तो नाबूद फरमा, उलमा हक का साया सरों पर बरकरार फरमा मेरे अल्लाह। की वास्ता मुमदार उम्मत का वारिस को तो बेवारिसों की तरह से देख गुजारे, वारिस अखीर की हजरत इमाम ज़माना के ज़ुहूर का ताकीद फरमा, साहब शुमार हजरत एक मरतबा सूरह अल-हम और तीन मरतबा सूरह इख़लास इख़लास फरमा कर कुर्बी के रूप में मुमताज हुसैन और हुसैन صلى الله عليه وسلم.